प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रियो, ये बहुत ही डेलिकेट विषय सब्जेक्ट जो कि हम सुनने पर है, और वो है अन्य भाषा, अननोन टंग्स। अब ये समस्या या परेशानी या गलत शिक्षा मुंबई से शुरू हुई है, इसीलिए मैं कुछ टीचिंग्स को आपके साथ ज़रूर बांटना चाहूँगा। आप कंपेयर करिएगा, आप सुनिएगा, आप समझिएगा, आप प्रार्थना पूर्वक आप निर्णय लीजिएगा। मैं ये शिक्षा या टीचिंग्स किसी को गिराने के लिए नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो किसी पर दोष लगाने के लिए दे रहा हूँ, परंतु जो सच बात है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रियो, अब मैं तीन चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों मैंने वापस एक बार इस टीचिंग को आपके सामने लेकर आया। सबसे पहली बात, कुछ लोगों ने कहा कि हम और ज़्यादा सुनना चाहते हैं अन्य भाषा के विषय में, क्योंकि हम कंफ्यूज है कुछ बातों को लेकर। सो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया, मैसेज किया, आप हमारे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने कमेंट किया कि वे अन्य भाषा के बारे में और सीखना चाहते हैं। तो इसलिए हमने निर्णय लिया और सोचा कि हम सही टीचिंग को हम वापस एक बार पार्ट पार्ट में हम लोगों के सामने रखें, ताकि लोग सही बातों को और झूठ बातों को जान पाए। और दूसरा कारण कि क्यों हम ये चीज़ सिखा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि पास्टर, हमने देखा कि आप भी जब मुंबई में अन्य भाषा की सभा शुरू थी तो आप भी वहाँ पर थे, और आप क्या सहमत हैं या आप प्रार्थना करते या नहीं करते। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने कुछ चीज़ों को शुरू किया था, चाहे वो ग्रेट कमीशन फेलोशिप हो, गो मिशन फेलोशिप हो, जब ये चीज़ मुंबई से शुरू हुई थी तो हम में से कई सारे लोग एक साथ आकर हमने इन चीज़ों को शुरू किया था, लेकिन इस गलत शिक्षा के कारण हम वहाँ से अलग हो गए और फिर कुछ समय तक हम शांत थे। और मेरा शांत रहने का कारण यह था कि मैं अपनी कलीसिया पर ध्यान दे रहा था, और मैंने कहा मैं इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमने अपने कलीसिया का नाम जो है वो बदला परमेश्वर के प्रेरणा से, और हमारे कलीसिया का जो नाम था न्यू होप फाउंडेशन, वहाँ से परमेश्वर ने एक नाम दिया जो नाम है एवरी नेशन चर्च। और जब वो नाम हमको मिला, वो नाम के साथ एक दर्शन हमें मिला जहाँ पर परमेश्वर हमारे सोच विचार, हमारी विचारधारणा को बढ़ा रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले मैं फोकस कर रहा था केवल अपने चर्च के लोगों के लिए, अपने चर्च पर, लेकिन जब ये नाम हमें मिला एवरी नेशन चर्च, तो परमेश्वर ने हमारे दृष्टिकोण को बढ़ा दिया। और जब उसके बाद जब मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया नए तौर पर, तो नए नए बातों से परमेश्वर का आत्मा हमें ब्लेस करने लगे, पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करने लगे नई बातों को देखने के लिए। और इसीलिए हमने वापस एक बार इस शिक्षा को या टीचिंग्स को देना शुरू किया है। तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो वीडियोस पास्टर डैनियल राज के हम शेयर करने पर हैं, हम कोई भी वहाँ पर एडिट नहीं करेंगे। वो पार्ट पार्ट में हम शेयर करेंगे, यानी कुछ मिनट उनका वीडियो और कुछ मिनट हमारा एक्सप्लेनेशन, लेकिन हम एडिट बिल्कुल नहीं करेंगे कि दो मिनट उनका वीडियो, एक घंटे में से दो मिनट यहाँ से हमने लिया, दो मिनट वहाँ से हमने लिया, ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो स्टार्टिंग टू एंड अगर उनका 40 मिनट का वीडियो है, तो हो सकता है कि 4, 5, 6, 7 पार्ट्स में हम अलग अलग करके उसको डिवाइड करेंगे। तो पहले के 7-8 मिनट और फिर मैं उसके ऊपर उलहाना दूंगा, फिर 7-8 मिनट फिर उसके ऊपर मैं उलहाना दूंगा, उस प्रकार की बातों को, खास करके जो टंग्स की जो बातें हैं, अन्य भाषा की जो बातें हैं, उस पर हम उलहाना देंगे और उन बातों को हम आपके सामने रखने चाहेंगे, और आप चूज करें कि आप कौन से बातों को सुनकर आप फॉलो करना चाहते हैं। जो लोग अन्य भाषा पे विश्वास नहीं करते हैं, मैं किसी पर जबरन नहीं करना चाहता हूं, ये आपके ऊपर डिपेंड है।
लेकिन जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे लेकिन कुछ कारण से बंद कर दिए, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सुनिएगा और फिर आप निर्णय लीजिएगा कि आप सही थे या गलत थे। आइए इस वीडियो को देखते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा जो आगे बैठे आप लोग भी पढ़ें, 1 2 3 गो। फटी हुई दिखाई दी और मन से हर एक के ऊपर आठेरी। दूसरा वचन 4, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य। मैं रिपीट करता हूं, कौन सी भाषा? इसका मतलब है यहां पर प्लूरल है या सिंगुलर है, एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है। इसका मतलब है परमेश्वर कहता है उन सबको उसने अलग अलग भाषाओं में बात करने का दान दिया। मुझे गलत साबित कर सकते हो, वचन को कैसे करोगे? आप मुझे बोल सकते हो पास्टर डैनियल ऐसा नहीं ऐसा है, फिर वचन के साथ क्या करोगे? मैं फिर कहता हूं, डू नॉट मैनिपुलेट और ट्विस्ट द स्क्रिप्चर। वचन के साथ में आप मिलावट नहीं कर सकते। आप है मेरे साथ में नाउ? इसी को आपके ग्रीक में जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एक्ट चैप्टर 2:4 ग्रीक ट्रांसलेशन कहता है ग्लोसा और डायलेक्टोस। डायलेक्टोस आपका एक ट्रांसलेशन है ग्लोसा और दूसरा है डायलेक्टोस। दोनों का मतलब एक ही है और वो है लैंग्वेज, भाषा। कौन सी भाषा? पृथ्वी की भाषा। एक है ग्लोसा और दूसरा है डायलेक्टोस। आपको चाहिए आपके गूगल में सर्च करिए, आपकी आंखें और आपका दिमाग दोनों खुल जाएगा। और यही वजह है जब मैंने इसको पढ़ा, वचन को पढ़ा, तब मैंने बोला हो क्या रहा है बाबू साहब। मैं फिर कहता हूं जो कि मैं शुरू से बोल रहा हूं, मैं आपके साथ एक ही प्लेटफॉर्म में खड़ा हूं। जितना दिक्कत अभी आपको हो रहा होगा ना सुनते वक्त में, 3 महीने से मेरे को भी हो रहा है ना। सीरियस लिखा है वचन 5 में, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे, क्योंकि वो पेंटिकॉस्ट का दिन था। 3 फेस्टिवल्स हैं, उसमें से ये तीसरा फेस्टिवल पेंटिकॉस्ट के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन पृथ्वी पर थे, ठीक 10 दिन के बाद में पवित्र आत्मा नीचे उतरा, आफ्टर 10 डेज। और जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा, लिखा है पूरी पृथ्वी से भक्त यहूदी वहां पर रहते थे। यहूदी आते थे नॉर्थ से, यहूदी आते थे साउथ से, ईस्ट से और वेस्ट से। इनमें से किसी को, जीसस क्राइस्ट, इनमें से किसी को हिब्रू नहीं आती थी, क्योंकि इन्होंने खुद कहा। आइए सुनते हैं पहले इसको, जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था, ये मेरी ही। मैं रिपीट करता हूं, कौन सी भाषा? मेरी ही। इसका मतलब है जो वहां से आया था नॉर्थ से, वो नॉर्थ की भाषा सुन रहा है, साउथ वाला साउथ की भाषा सुन रहा है, ईस्ट वाला ईस्ट की और वेस्ट वाला वेस्ट की। कैसे बोल सकते हैं कि ये कोई ऐसी भाषा है जिसको आप कहते हैं सुपर नेचुरल लैंग्वेज? इसका मतलब है या तो हम सही हैं, फिर बाइबल गलत है। अगर बाइबल सही है तो हम गलत हैं, और सवाल ही नहीं उठता कि बाइबल गलत हो। माय गुडनेस, क्या यीशु मसीह की मां जिसने उसको जन्म दिया, क्या उसका नाम मरियम था? फिर उसको सुनीता का नाम मत दो। आप है मेरे साथ में? आप किसी को भी उठाकर कहीं पर भी नहीं बोल सकते। आप है मेरे साथ में? अगर लिखा है कि वो सब कह रहे हैं कि मेरी भाषा है और आपका ग्रीक ट्रांसलेशन कहता है डायलेक्टोस, दैट मींस लैंग्वेज, हम कैसे बोल सकते हैं? मराठी में गड़बड़ है राजू भाई, इंग्लिश में गड़बड़ है, तेलुगु तमिल में गड़बड़ है, लेकिन आपका ओरिजिनल ट्रांसलेशन में गड़बड़ कैसे हो सकता है? कम ऑन स्पीक, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब है आपका ग्रीक लैंग्वेज भी कहता है दे ऑल स्पोक व्हाट अर्थली लैंग्वेज। वो छोड़िए, इसको देखिए, और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है? और गलीली लोगों का लोकल लैंग्वेज था हिब्रू, और ये सब अचंभित क्यों है? सी, अचंभित है, शोकित है,
शॉक्ड हैं और वो कह रहे यार ये गलीली होकर हिब्रू वाले लोग ये भाषा में कैसे बात करें, ये तो ऐसे हो गया, पूछो कैसे। मराठी वाला मानूस जापान में जाके वहां के लोगों को अगर पता चला ये तो मराठी वाला आदमी है, ये जापानीज कैसे भाषा में बात कर रहा है। और मैं आपको बताऊं वो तो होंगे अचंभित, लेकिन जो खुद बोल रहा है मेरे साथ में। और एग्जैक्टली यही हुआ था यहां पर, यही हुआ था यहां पर, सारे के सारे शौकीन बोला मेरे मुंह से ये बातें निकल कैसे रही, इसको देखे तो फिर क्यों वो कहते हैं पापा मैं नहीं, वो कहते हैं तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी नाउ सी दिस अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुन रहा है, मदर टंग। क्या हम इसको गलत ठहरा सकते हैं? स्पीक नो। इसको देखिए साहब कहां कहां से आए थे, लिखा है पार्थी मेदी एलामी मिसपुतिया यहूदिया कपुदुकिया पिंतुस आसिया फुग्रिया फंफुलिया मिस्र लिबिया और आपके कुरेन के आसपास के सब देशों के रहने वाले रोमी प्रवासी क्या यहूदी और यहूदी मत को धारण करने वाले क्रेती और अरबी, ये सारे के सारे बोल रहे हैं पत्रस के मुंह से हम अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहे हैं कैसे। यही तो चीज थी जो उनको अचंभित करी। और वचन 11 देखे, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के ऐसा लिखा है। माई गुडनेस, अगर वहां पर जापनीज होगा परमेश्वर की बड़ाई सुन रहा है, अफ्रीकन होगा परमेश्वर की बड़ाई सुन रहा है, अरबी होगा परमेश्वर की बड़ाई सुन रहा है, इनके मुंह से हमारी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे हैं। और आपको पता है परिणाम क्या हुआ, सुनना चाहोगे? मैं आपका हाथ देख सकता हूं, सुनना चाहोगे? उसका परिणाम हुआ कि वहां पर 3,000 लोगों का भेंट। मैं कुछ पूछ सकता हूं जितने पास्टर्स हैं यहां पर, पत्रस ने प्रचार किया 3,000 का उद्धार हो गया, जो ईस्ट से थे नॉर्थ से थे वेस्ट से थे साउथ से थे, क्या इनको आपका इब्रानी भाषा आती थी? मैंने प्रूफ किया नो, बिकॉज वो गलीली नहीं है, लिखा है वचन 5 में पूरे पृथ्वी से एक जगह पे इकट्ठा हुए थे। जब वो अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की बड़ाई सुन रहे हैं तो उनका मन क्या हो गया, वचन 27 मत पढ़ना, लिखा है पत्रस जब तू बोल रहा था हमारे हृदय छिद गए। कौन सी भाषा? उनकी खुद की भाषा। आप मेरे साथ? आशा करते हैं कि अब जो वीडियो हमने प्ले किया था आपने उस वीडियो को बहुत अच्छे तौर पर देखा होगा, या तो फिर पहले भी आपने देखा होगा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप अपने ध्यान को और अपने कानों को हमारे ऊपर लगाए रखो, क्योंकि जो इस समय हम आप सब बातें करने पर या प्रचार करने पर है, हमारी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आपके अंडरस्टैंडिंग को खोले, प्रभु आपकी आंखों को खोले, प्रभु आपके कानों को खोले, आपके दिल को खोले, ताकि वो पूरी तौर पर आप पर नियंत्रण ले पाए। परमेश्वर जैसे चाहे वैसे आप समझे, ये हमारी प्रार्थना है। इसलिए आप कोई भी चीजों को मिस नहीं करें, अपने ध्यान को यहां वहां ना भटकाएं। अगर आप कोई काम में व्यस्त है, बिजी है, तो मैं चाहता हूं कि बस कुछ मिनटों के लिए आप सब चीज छोड़ के प्रभु के वचन पर गौर करें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप इस विषय को मिस कर दोगे तो आप अपने मसीह जीवन के फाउंडेशन को मिस कर दोगे। आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप सेवा में हैं और अगर आप सेवा करना चाहते हैं, तो इस चीज को अगर आप मिस कर दोगे तो मानो सेवा एक लकवा मारा वो व्यक्ति कैसे रहता है वैसे हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, इसलिए आप चीजों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि गलत बातें हमारे जीवन में गलत नतीजे को लेकर आता है और सही बातें सही नतीजे को लेकर आता है। इसलिए कोई भी वर्ड मिस नहीं करना, फुल स्टॉप मिस नहीं करना, कॉमा मिस नहीं करना, क्वेश्चन मार्क मिस नहीं करना, हर एक चीजों को अच्छे तौर पर आप सुनना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने जिस प्रकार आपसे कहा कि आप गूगल में सर्च करें आपका दिमाग खुल जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं गूगल वही चीज कहता है या इंफॉर्मेशन देता है जो उसको फीड किया गया है, यानी जो इंफॉर्मेशन उसमें भरा गया है वही इंफॉर्मेशन हमें पहुंचाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप मेरा नाम टाइप करोगे पास्टर मनोज शाहू गूगल में, तो आपको मेरे कई सारे फोटोज मिलेंगे और कई सारे लिंक्स मिलेंगे जहां से फोटोज अपलोड हुए हैं या अन्य अन्य लोगों ने अपलोड किया है।
लेकिन सेम गूगल में अगर आप अपना नाम डालोगे तो कुछ फोटोज आपके मिल सकते हैं, कुछ लिंक मिल सकते हैं फेसबुक का या इंस्टाग्राम का। क्यों ऐसे होगा? क्योंकि जो फीड किया गया है वही वो बताता है। और गूगल कोई मसीह व्यक्ति ने फीड नहीं किया है, मसीह स्कॉलर ने फीड नहीं किया है, ठीक है। गूगल अपने जो लोग हैं गूगल के, वो इंफॉर्मेशन जमा करते हैं, उसे फीड करते हैं और वही बात हम तक पहुंचती है। और बहुत सारे लोग हैं जो भी फीड करते चले जाते हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन आता है। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित उत्साहित करना चाहूंगा परमेश्वर के वचनों को बहुत अच्छे तौर पर पढ़ने के लिए। और जब बात आता है परमेश्वर के वरदानों के बारे में, पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, कलीसियाओं के वरदानों के बारे में, तो आप इन चीजों को मिस नहीं करना चाहिए। प्रेरितों के काम अध्याय 2 जो है ये पवित्र आत्मा के सेवकाई का शुरुआत है, और अगर हम यहीं पर मिस कर देंगे तो हम उनके बहुत सारे कामों को मिस कर देंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए नाम का, इसका, उसका, वो अपने अनुसार, वो अपने पढ़ाई के अनुसार, अपने माइंडसेट के अनुसार, या कौन से चीज में वो भटक गए उन्होंने अपने अनुसार उन्होंने बताया। लेकिन अब हम जानेंगे परमेश्वर का वचन किस प्रकार क्या कहता है। उन्होंने बताया कि परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, आप मुझे गलत ठहरा सकते हो लेकिन परमेश्वर के वचनों को गलत कैसे ठहरा सकते हो? यस, हम परमेश्वर के वचनों को गलत नहीं ठहरा सकते हैं, इसलिए हमें राइट माइंडसेट में पढ़ना बहुत जरूरी है। घाई गड़बड़ी में पढ़ो नहीं, ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। आइए मैं आपको वापस एक बार पढ़वाना चाहूंगा प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 1 से, क्योंकि उन्होंने प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 3 से उन्होंने शुरुआत किया और 11वें वचन में जाकर वो रुक गए, उसके आगे उन्होंने नहीं पढ़ा। और मैं आपको उसके आगे पढ़वाना चाहूंगा क्योंकि उसके आगे दूसरे जो 2 वचन है ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 13 तक जो वचन है वो एक भाग है, और फिर 14 नंबर के वचन से जो है ना उसका दूसरा पार्ट चालू होता है। इसलिए स्टार्टिंग और एंड ये पढ़ना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप वचन के अच्छे शिक्षक हो या वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वचन का जो भाग होता है वो शुरुआत से लेकर जब आप अंत तक पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। इसलिए वचन 1 से 13 तक ये अध्याय 2 का ये पहला पार्ट है, और वचन 14 से वो दूसरा पार्ट चालू होता है जहां पर पत्रस खड़े होकर प्रचार करते हैं, ठीक है। अब वचन 1 से हम पढ़ेंगे। बाइबल कहता है कि जब पेंटिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीप फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा में बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब वह यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यह सुनाई देता था कि यह मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो यह जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपने जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हालेलुया। सो यहां पर आपको चीजों को नोटिस करना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूं ना, वो वचन सात और आठ में सवाल कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या ये गलीली नहीं है, क्या हम सब अपने अपने जन्मभूमि की भाषा नहीं सुन रहे? वो ये नहीं कह रहे कि हम सुन रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं वहां पर। आप जान पा रहे हैं? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर 120 लोग जमा हुए थे, और मुझे नहीं लगता है कि लोग 200-500 फुट के इतने दूरी में एक एक व्यक्ति खड़ा होगा। जैसे कि हम चर्च में इकट्ठे मिलते हैं बस 1-1.5 फुट के दूरी पे हम मिलते हैं, वैसे वो 120 लोग इकट्ठे थे। और सोच कर देखिए 120 लोग एक ही साथ वे अन्य भाषा में बोल रहे थे। अगर वे एक साथ अन्य भाषा में, 120 लोग अगर एक साथ अन्य भाषा में बोल रहे हैं, तो मुझे बताइए आप कि क्लियरली वे कैसे सुन सकते हैं अपनी अपनी भाषा में।
अगर घर में पांच जन है और पांच जन में से दो जन अगर बात कर रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति चौथे व्यक्ति के साथ क्लियरली बात नहीं कर पाएगा। हम क्या कहेंगे, भाई जरा शांत रहे, हमें कुछ बात करना है, या हम कुछ बात कर रहे हैं, आप थोड़ा वेट करो, हमारा ये डिस्कशन चलेगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि आप इन बातों को सुनना, आप इन बातों को समझना, और जब आप इन बातों को सुनोगे, आप समझोगे, आप अपने मन में जब पिक्चर तैयार करोगे कि 120 लोग वहां पर बात कर रहे थे, इन्होंने किस प्रकार बात सुना होगा, आपको वहां का दृश्य जो है वो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर क्या चल रहा है। तो ये यहां पर सवाल जवाब चल रहा था कि क्या ये सब गलीली नहीं है, क्या हम सब अपने अपनी भाषा में नहीं सुन रहे। और फिर वहां पर जब आप वचन 9 से 11 तक पढ़ोगे तो वहां पर जो है ना लगभग 14 किस्म के लोगों के बारे में बात किया गया है। मैं 11 नंबर का वचन पढ़ना चाहूंगा। बाइबल कहता है, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले किर्ती और अरबी भी वहां पर थे, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा वो सुनते थे। आप यहां पर आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि उन्होंने यहीं तक पढ़ा कि देखो वो अपनी अपनी भाषा में बातें सुन रहे हैं, देखो वे लोगों को वो भाषा नहीं आती थी इनकी, लेकिन ये अपने अपने भाषा में बातें कर रहे हैं, अपने अपने भाषा में परमेश्वर की बड़ाई सुन रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, दूर से हमें ऐसे लगता है कि हम कुछ बातों को सुन रहे, लेकिन प्रेज गॉड अगर वे परमेश्वर की बड़ाई सुन रहे हैं तो, प्रेज गॉड अगर वो परमेश्वर की बातें सुन रहे तो, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पर सभी लोग पृथ्वी की भाषा से बात नहीं कर रहे थे। वहां पर होंगे कुछ लोग जो दूर दूर खड़े होंगे, शायद उनके कुछ शब्द इनके कानों में पड़ते होंगे और इन्होंने कुछ बातें परमेश्वर की बड़ाई की सुनी या कुछ बातें अपने जन्मभूमि की भाषा में सुनी, लेकिन सब लोग वहां पर उनके जन्मभूमि की भाषा से बात नहीं कर रहे थे। ये आपको जानना चाहिए, 120 लोग एक साथ बात कर रहे थे, ये कॉन्सेप्ट को अपने मन में लेकर आइए, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यानपूर्वक वचन 12 और 13 पर गौर करें, क्योंकि वचन 12 और 13 आपको समझने के लिए मदद करेगा कि वहां पर चल क्या रहा था। वचन 12 में ऐसे लिखा है, और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है। वे सब घबरा कर वे पूछ रहे थे ये क्या हो रहे हैं, या हो सकता है कि जो आत्मिक लोग वहां पर होंगे वो पूछ रहे, वाह ये क्या हो रहा है, ये कुछ अद्भुत बातें हो रही है। लेकिन 13 नंबर का जो वचन है वो लिखा है ऐसे, परंतु दूसरों ने ठट्टा करके कहा, वे तो नई मदिरा के चूर में है, नई मदिरा के नशे के चूर में है। पहले लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है, अद्भुत बातें वहां पर हो रही थी, और दूसरे लोगों ने कहा मजाक करते हुए, ठट्टा करते हुए, मजाक करते हुए कि ये नई मदिरा के नशे में चूर है। अब मुझे आप बताइए कि पवित्र आत्मा, जैसे कि लोग एक्सप्लेन करते हैं, वो आया और उन्होंने बोलने की शक्ति दी और एक मराठी आदमी कोई विदेश का भाषा बोल रहा है और जो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति है, वो सुनकर समझ पा रहा है, तो क्या उसे कह सकते ये इसने दारू पिया इसलिए वो ऐसे भाषा बात कर रहा है। लेकिन वहां पर कुछ तो अजीब हो रहा था। दारू पीने वाला व्यक्ति या नशा करने वाला व्यक्ति कैसे होता है मालूम है, वो एक जगह पर स्थिर खड़ा नहीं हो पाता, शायद ऐसे कुछ बातें उनके अंदर होगी, इसलिए लोग देखकर उनको बता रहे थे कि ये नए मदिरा के नशे में शायद चूर हो गए हैं। इन फिलॉसफी को आपको समझना चाहिए, इन कॉन्सेप्ट को आपको समझना चाहिए, इन बातों को आपको समझना चाहिए प्रियो। लोग वहां पर नहीं समझ पा रहे थे, कुछ लोग थे वो अपने अपनी जन्मभूमि की कुछ बात सुन पा रहे थे, जान पा रहे थे, लेकिन वहां पर दूसरे भी लोग थे जो नहीं समझ पा रहे थे, और लोगों को लग रहा था कि ये नई मदिरा में चूर हो गए हैं, ये नई मदिरा में, नई मदिरा के नशे में चूर हो गए, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे थे। लोग बस बातें करते चले जा रहे हैं, और आज भी लोग वही बातें करते हैं, आज भी लोग वही बातें करते हैं, जब कोई अन्य भाषा में बातें करता है या प्रार्थना करता है तो लोग कहते हैं पता नहीं ये क्या बड़बड़ा रहे हैं, वहां पर ठट्टा करते हैं, मजाक करते हैं। और यही बातों को पौलुस बात करता है कि किस प्रकार अन्य भाषा में बात करना चाहिए, जो कि हम आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था
कि वे सब लोग पृथ्वी के भाषा में बात कर रहे थे। आखिरी का लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो वहां पर भक्त यहूदी थे, जो वहां पर यरूशलेम में जमा हुए थे, वे सब लोग अपनी अपनी भाषा में बात कर रहे थे। और ये लोगों को, ये लोग गलीली थे, ये लोगों को हिब्रू नहीं आता था, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप वचन 14 से पढ़ोगे तो पत्रस ने एक ही भाषा में वहां पर बात किया था, और एक ही भाषा में बात करने की वजह से वे यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर पाए और वहां पर लगभग 3,000 लोगों का वहां पर उद्धार हो गया। ये पत्रस ने अलग 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 भाषा में सबसे बात नहीं किया, वो एक ही भाषा में उसने बात किया। आप समझ पा रहे हैं? ये लोग अन्य भाषा में बातें किए और फिर पत्रस ने क्या किया, एक ही भाषा में उनसे बातें किए। इसका मतलब है कि वो सब लोग एक भाषा जानते थे। वो हो सकता है कि हिब्रू हो सकता है, वो ग्रीक हो सकता है, या तो फिर वो आरामिक हो सकता है। बाइबल में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया ये बात। वो हिब्रू हो सकता है, वो ग्रीक हो सकता है, या फिर वो आरामिक हो सकता है, जिस भाषा में पत्रस ने बात किया था। प्रियो, इन चीजों को आपको जानना चाहिए। आप थोड़ा सा चीज देखकर आप अनुमान मत लगाइए कि ये पृथ्वी की ही भाषा थी। नहीं, अगर पृथ्वी की भाषा होती तो लोग ऐसे नहीं बोलते वहां पर वचन 13 में कि ये नई मदिरा के नशे में चूर है। वो नहीं बोलते, वो बोलते हैं वाव, इनका परमेश्वर कितना महान है, ये भाषा तो हम पहली बार सुन रहे हैं। या वो कहते हैं कि देखो, हम इनको जानते हैं, ये इस भाषा के लोग नहीं है, लेकिन ये लोग है ना मेरी भाषा बोल रहे। वो आश्चर्यचकित होते थे। लेकिन वहां पर उन्होंने कहा है कि शायद ये नई मदिरा के चूर में है। तो कुछ पृथ्वी की भी लैंग्वेज वहां पर थी, और इसलिए परमेश्वर ने उनको आकर्षित किया, क्योंकि वहां पर गॉस्पल शेयर करना था, वहां पर गॉस्पल फैलाना था, और परमेश्वर ने उन लोगों को आकर्षित किया। लेकिन वहां पर स्वर्ग से आई हुई भी भाषा थी, जो कि हम आने वाले कुछ वीडियोज में आपके साथ क्लियर करेंगे। इसलिए अगर आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है, अन्य भाषा का दान मिला है, आप उसका इस्तेमाल करें, लोगों के बहकावे में ना आए। और जो भरमाने वाली आत्मा है उनका ना सुने। इन दिनों में बहुत सारी भरमाने वाली आत्मा जो है वो कलीसियाओं को तोड़ रही है, और परमेश्वर की आत्मा जो है वापस एक बार कलीसियाओं को उभारने पर है। इसलिए जागृत हो जाइए। गॉड ब्लेस यू।